स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से बड़ा गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि YouTube चैनल पर जो कि अपना कुंडली तंत्र फाउंडेशन के नाम से है, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी हमारे को ऐप के दर्शक हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुने। क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे चैनल YouTube चैनल से शायद नहीं जुड़े हैं, या फिर जो YouTube चैनल के दर्शक हैं जो को ऐप से जुड़े हैं वहाँ पर भी सर्च करते हैं, कर सकते हैं आईडी के लिए। तो जो विषय है वो है कि संभोग और संन्यास, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा अश्रेष्ठ है। आज इस पर गंभीर चर्चा होने जा रही है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उन लोगों के अंदर भी जो चल रहा है दुविधा का जो एक आंदोलन है वो शांत हो जाए। संभोग और संन्यास थोड़ा और आसान करता हूं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर कम पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं। शायद ऐसे लोगों के लिए ही हमें लोकल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। असभ्य और उद्दंड शब्दों का इस्तेमाल भी ऐसे लोगों के लिए जल्दी समझाने के लिए करते हैं। तो संभोग अर्थात शादी, संन्यास अर्थात मोक्ष। कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुदेव, क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, संन्यास प्राप्त करने के लिए क्या हमारे लिए शादी करना जरूरी है अथवा नहीं? अर्थात शादी और संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है? क्या बिना शादी के संन्यास को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा उनके विभिन्न दुविधाएं और शंकाएं रहती हैं उनके मन में। तो ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सबसे पहले मैं दो बात क्लियर करना चाहूँगा, जो कि बहुत सारी वीडियो में क्लियर करते हुए, स्पष्ट करते हुए लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशली वीडियो है। संभोग अर्थात वैवाहिक जीवन, यही समझते हैं ना? लेकिन संभोग अर्थात अविवाहित लोग भी संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं। तो संभोग की यह धारणा, जो लोग आप समझते हैं कि विवाह करने के पश्चात ही होता है, इससे थोड़ी हटके दिखाई दे रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि विवाह से पहले ही सेक्स बहुत बार लोगों का हो चुका होता है, अनुभव ले चुके होते हैं। तो शादी करना चाहिए या नहीं बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए? लेकिन मैंने जो वीडियो का टाइटल डाला है कि संभोग और संन्यास, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी को बताऊंगा कि संन्यास आखिर है क्या। महायोगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, कि संन्यास नाम जो है दाढ़ी बड़ी करने का नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि आपने दाढ़ी कटाने से संन्यास ले लिया। संन्यास का अर्थ होता है पृथक करना अपने आप को या किसी अपने से जुड़ी हुई क्रिया के लिए। ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा गंभीर फिलॉसफी है ये। संन्यास सम्यक न्यास, न्यास नि धातु जिसमें लगी आसमाने स्थापित करना होता है, नि माने होता है बाहर की ओर, निशेष रूप से कुछ भी बचे नहीं, अशेष रूप से कुशेष ना बने, सब माने होता है प्रॉपर तरीके से। आपने कोई चीज त्याग दिया या बाहर स्थापित कर दिया, जैसे होता है, जैसे संन्यास होता है ना, ठीक इसी प्रकार एक शब्द है शिलान्यास, शिला का न्यास करना, शिला को न्यास करना, स्थापित करना, कहाँ करना, बाहर। न्यास का अर्थ ही यही होता है, स्थापना, नियम रखना है। तो आपने विधिवत संन्यास सम्यक प्रकार से, सम एक उपसर्ग है संस्कृत ग्रामर के आधार पर,
विधिवत प्रॉपर तरीके से आपने स्थापित कर दिया, अलग कर दिया, क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। किस चीज से संन्यास ले लिया, किसको अलग कर लिया, किससे अपने आप को अलग कर लिया आपने। संन्यास नाम गेरुए कपड़े का भी नहीं, गेरुआ कपड़ा या भगवा कपड़ा त्याग और तेजस्वता का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। किंतु भगवा का अर्थ भी संन्यास नहीं है अगर आपने रंगीन कपड़े पहन लिए, क्योंकि महायोगी कृष्ण ने पूरी गीता में संन्यास नाम वस्त्रों का नहीं बोला है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने सफेद रंग के वस्त्रों को त्याग दिया अर्थात ना पहनने का संकल्प ले लिया तो आप उसे संन्यास मान लें, ये तुम्हारी अज्ञानता होगी। महायोगी कृष्ण कह रहे हैं न्यासम संन्यासम कवयमिति, न्यास कर देना, स्थापित कर देना, विसर्जित कर देना विचारों को, सर्वसंकल्प संन्यासी, सभी संकल्पों का त्याग करने वाला ही संन्यासी होता है। सभी संकल्प क्या, यहां पर बहुवचन लिया है, सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं आपके अंदर जिस समय, हाँ सर्वसंकल्प संन्यासी योगस्तद उच्यते, जो सभी संकल्पों का त्याग कर देता है या क्रिया करते करते त्याग हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहा है, योग में स्थित कहा है ऐसी चेतना के लिए। तो संन्यास का संबंध विवाह करने या ना करने से कुछ भी नहीं है। आप विवाह करें या ना करें आप सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन किस चीज से सन्यास, बुराई से सन्यास, दूसरे का बुरा सोच रहे हैं लालच से सन्यास, बेईमानी से सन्यास, अहंकार से सन्यास, क्रोध से सन्यास, अकल्याण की भावना से सन्यास, चिंतन से सन्यास। तो सबसे बड़ा सूत्र इन्होंने, कृष्ण ने कहा सर्व संकल्प, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है, जिस समय आप परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, गुरु के ध्यान में बैठते हैं, और उस समय कोई भी इच्छा कोई भी संकल्प शेष ना रहे, अशेष रूप से वो उस समय विसर्जित हो जाए, क्योंकि जो विचार हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति की चीज प्रकृति को सौंप दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, उन्हीं चीजों से जुड़े हुए संकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जिनको या तो तुमने देखा है जाने अनजाने में, या जिनके बारे में तुमने कभी सुना है जाने अनजाने में, या जिनके बारे में तुमने कभी छुआ है किसी चीज को तो जाने अनजाने में। तो ऐसी चीजों से आप अपने आप को जिस क्षण मुक्त कर लेते हैं या ऐसे विचारों को विसर्जित कर देते हैं, न्यास कर देते हैं बाहर, प्रकृति की चीज तेरा तुझको अर्पण, माने विचार जहां से आए हैं उनको वहीं छोड़ देना, और आप कल्याण स्वरूप जिस समय होते हैं प्रभु परमात्मा के या अपने गुरु के ध्यान में, कोई दूसरा विचार नहीं, नॉट सेकंड थॉट्स इज देयर, देयर इज नो एनी थॉट्स, वहां पर कोई विचार नहीं, केवल अपोदीपो भाव, समझ रहे ना आप लोग। तो ये चर्चा बड़ी गूढ़ है, तो विवाह करें या ना करें, सबसे बड़ी बात यह है वासना से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। यहां पर मैं अब आपको अलर्ट कर रहा हूं, सेक्स की जो भावना है, दूसरे को जो भोगने की जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, ये जब तक आपकी नहीं जा रही है तब तक आप सन्यासी नहीं हो सकते। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि तुम अपने पिछवाड़े पर चूतड़ों पर लंगोट लगा के पहाड़ों में बैठ जाओ जाकर के। कृष्ण ने सन्यास को महत्व तो नहीं दिया है, जो वस्त्रों वस्त्रधारी सन्यासी के लिए महत्व तो ही नहीं दिया है,
अगर ऐसा होता तो कृष्ण क्यों घर गृहस्थी में रह करके राज्य काज दुनिया की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए क्यों गृहस्थ जीवन को अपनाते। सन्यासी महत्वपूर्ण होता, जो तथाकथित सन्यास है, धर्म है, अगर वो इतना महत्वपूर्ण होता तो रामचंद्र जी क्यों नहीं सन्यासी बन करके हमेशा हमेशा के लिए जंगल में ही रह जाते, क्यों वापस आए लौट करके। ध्यान दीजिएगा, अगर सन्यास धर्म ही श्रेष्ठ होता तो महायोगीश्वर शंकर भगवान क्यों पार्वती जी से और पहले सती जी से विवाह करते और बाल बच्चे पैदा करते, अगर यह श्रेष्ठ होता। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह, रंगीन कपड़े पहन करके, चूतड़ों पे लंगोटा लगा करके, जिम्मेदारियों को छोड़ करके घर से भाग जाने का नाम दुनिया का कल्याण कर रहे हो, और तुम्हारे परिवार दुखी है जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है, ऋण अनुबंध है उनका माता पिता का, या जो तुम्हारे आश्रित हैं, जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसी जिम्मेदारियों से पलायन करने के पश्चात तुम जल्दी मोक्ष को, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाओगे। ये 99% सत्य है, प्रैक्टिकल बात है। तो समझ रहे हैं ना। अब आप कहो कि क्या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विवाह करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई सेक्स पार्टनर है, कोई परमानेंट जुगाड़ है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे पहले अपनी आग ठंडी कर लो, वासना को शांत संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर लो, प्रयास कर लो। वो भी एक साधना का ही अंग होगा, क्योंकि तुम जन्म जन्म से वासना से ग्रसित होकर के कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी गधे के, कभी घोड़े के शरीर में जा करके तुम कर क्या रहे हो? यही तो हमने तुमने किया है, विभिन्न रूप धारण करने के पश्चात भी यही हम और आप करते आ रहे हैं, बाल बच्चे पैदा करना, सेक्स करना। तो इस मानव जीवन में अगर कोई साधु, तथाकथित साधु ज्ञानी कहता है तुम इतने जन्मों में सेक्स करके आए, संतुष्ट नहीं हुआ, भजन करो, भजन तब तक नहीं होगा जब तक तुम संभोग को ठीक से समझ नहीं लोगे, इसके गहरे प्रयोग करना नहीं सीख जाते। हाँ, कोई 1% कोई जन्म सिद्ध चेतना होती है जिसके लिए विवाह करने की आवश्यकता ना हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं है, वस्त्रों की जरूरत नहीं है, तुम्हें नींद की जरूरत नहीं है, जो भी शरीर के धर्म हैं, शरीर के जो गुण धर्म हैं, यदि तुम्हें वो फील नहीं होते हैं तो तुम्हें विवाह की भी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें रोटी की जरूरत है, रोटी खाओगे, दूध पियोगे, फल खाओगे, फ्रूट खाओगे, तो लिंग में तो तनाव आएगा ही ना, योनि में तो हलचल होगी ही ना, और जब वो होगी तो कहाँ ले जाओगे? योनि लिंग को चाहेगी कि लिंग उसको मिलना चाहिए, लिंग को योनि के टच में लिंग पहुंचना चाहेगा, उसको ये चाहत बनेगी, फिर क्या करोगे? बाबा तथाकथित साधु बनने के पश्चात फिर तुम्हारे लिए बड़ा खेद होगा, विस्फोटक हो जाएगा तुम्हारे लिए वो जीवन, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए क्यों ना तो पहले इसको शांत कर लो, फिर चाहे वो विवाह करने करके शांत हो, तुम्हारी जो काम पिपाशा है, काम ऊर्जा का जो आंदोलन है, या फिर तुम्हारी लिव इन रिलेशन वाली कोई जुगाड़ हो, इससे ज्यादा मैं और क्या क्लियर करूं। तभी तुम सन्यास अर्थात मोक्ष, किससे छुटकारा, मोक्ष माने छुटकारा, तभी छुटकारा होगा जब तक तुम, ये पुरानी कहावत है, विषयान विषयों को हमने नहीं भोगा, अपितु भोग विषयों ने हमको भोग लिया, ये पुरानी कहावत है। यदि आपके पास जानकारी है, टेक्निक है, योग की प्रक्रियाएं हैं, हठ योग की, तो तुम संभोग के बाहर जा सकते हो। संभोग कोई बाधा नहीं, संभोग तो एक ऐसे है जैसे कि एक नौका होती है जो तुम्हें समुद्र के पार भी कर सकती है, लेकिन चेक करना है नौका में कोई छेद तो नहीं है।
तो संभोग की नौका में, संभोग रूपी जहाज में तुम इस भवसागर से तर भी सकते हो। संभोग तुम्हारे लिए साधना हो सकता है यदि तुमने संभोग की साधना को सीख लिया है। तो संभोग तुम्हारे मोक्ष का हेतु हो सकता है, क्योंकि संभोग ही तुम्हारे जन्म का हेतु है। मजे की बात यह है, जब ये जन्म का हेतु हो सकता है तो जन्म से मुक्ति का हेतु क्यों नहीं हो सकता है? यही खोज की थी हमारे ऋषि मुनियों ने। पहले के ऋषि मुनि इसलिए विवाहित होते थे और प्रयोग करते थे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। ज्यादातर हिंदुओं के देवी देवता शादीशुदा हैं, और जो शादीशुदा नहीं है वो उनके जीवन में कोई ऐसा दुर्योग या दुर्घटना घटी जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम ऊर्जा को नष्ट ही कर दिया, रूपांतरित नहीं किया, नष्ट कर दिया। जैसे भीष्म पितामह हुए, अपने हथियार को ही खत्म कर दिया उन्होंने। लो बन गए हैं जड़ा, बन गए नपुंसक। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वागत और अभिनंदन, हमारा प्यार। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि लोगों के भ्रम की जो ग्रंथि है, गांठ है, वो नष्ट हो, ठीक है ना। हालांकि ये एक हटियों की प्रक्रियाओं के द्वारा ही आप संभोग के बाहर जा सकते हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारा गुरु, जो तुम्हारा ऋषि, जो तुम्हारा मुनि अगर इन विद्याओं में पारंगत होगा, उसी की आपको शरण लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम मेरे से जुड़ो, मैं तो तुम्हें केवल इशारा दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। जहाँ तुम्हें सुविधा मिले, जहाँ तुम्हारे मन को अच्छा लगे, आप वहाँ जुड़ें और उनसे सीखें। क्योंकि हमसे जुड़ना इतना आसान नहीं है, हमसे जुड़ने के लिए लोहे की चने चबाने जैसा होगा, क्योंकि हमने वो द्वार, सभी आसान द्वार बंद कर दिए हैं कि तुम हम तक पहुंच पाओ। हम तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए कई चुनौतियों से गुजरना होगा, जो कमजोर और कंजूस व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव आप सिखाने का पैसा लेते हैं, चार्ज लेते हैं। अरे पहले के ऋषि मुनि भी गुरु दक्षिणा लेते थे सिखाने के बाद, लेकिन अब इतने बेईमान लोग हो गए, स्वार्थी लोग हो गए कि अब सिखाने के बाद, घर जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आएगा कि गुरु के गुरु दक्षिणा दे दे। पहले भी गुरु दक्षिणा लेते थे, गाय चरवाते थे, झाड़ू पोछा करवाते थे, उपले थोपवाते थे, कपड़े धुलवाते थे और कहते थे जाओ ये गाय के एक गाय को ले जाओ, जब दस दस गाय हो जाए इससे तब लौट के आना, जाओ झोपड़ी डालो जंगल में चले जाओ। तो एक गाय से दस गाय बनाने में कितना समय लगेगा? तो वो समय तुम्हारे पास है। दस साल तुम क्या हम जैसे गुरु के पास रह करके सेवा करोगे निस्वार्थ भाव होकर के, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिले? तो कहोगे नहीं। तो ये तो और आसान तरीका है, अगर तुम्हारा गुरु तुमसे दक्षिणा पहले ले लेते तो दोनों का कोई एक एक दूसरे पे ऋण अनुबंध का जो बंधन है वो थोड़ा सिद्ध हो जाएगा, कमजोर हो जाओगे। नहीं तो गुरु के साथ में अगर छल करोगे, बेईमानी करोगे और आधे अधूरे मन से सीखने आओगे या सीखने की कोशिश करोगे, तो कभी तुम मोक्ष और बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हो। कारण तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं तो डिलीवरी में तुम हजारों रुपए बर्बाद कर देते हो, बच्चा जब बाहर निकल के आता है तो नर्सरी में रखवा देते, लाखों रुपए खर्च हो जाते। जब तुम शादी करते हो तो लाखों रुपए उड़ा देते हो। जब तुम्हारे बच्चे का बर्थडे होता है, तुम्हारी पत्नी के साथ में एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो तो हजारों रुपए फूंक देते हो। जब किसी होटल में जाते हो, हैं फंक्शन करते हो, मीटिंग करते हो तो हजारों लाखों रुपए जरा देर में किसी औरत और लड़की के ऊपर, काल गर्ल के ऊपर उड़ा देते हो। तो तुम्हारे लिए ये विद्या सीखने के लिए तुम्हारे पास में धन की कमी नहीं है, तुम्हारे पास में श्रद्धा और समर्पण की कमी है। इसी वजह से तुम कहते हो कि गुरुदेव तो लालची हैं। ठीक है, अगर हम लालची हैं तो तुम क्या हो? अगर हम जैसा गुरु लालची है तो तुम क्या हो? लालच नहीं, यह आदान प्रदान की प्रक्रिया है, लेना और देना। केवल तुम लेने का ही काम करोगे तो तुम कभी बुद्धत्व को, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाओगे। अपना हिसाब किताब बराबर रखो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, या गुरु और शिष्य हो। यही कर्म विज्ञान है, कर्म का सिद्धांत है। ओम शांति, ओम क्रांति।